बसीन साहब, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो मार्केट व्यू और उसके साथ ही आपके कॉल्स का अपडेट, उसके बाद में नए कॉल्स लेता हूँ सर। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो मार्केट तो अपनी ट्रेजेक्टरी पे है और सबसे ज्यादा प्लेजेंट बात है कि ब्रॉडर मार्केट मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया जैसे आपको कहा था, लेकिन मिड कैप बैंक में बहुत ज्यादा आपके यहाँ अच्छी रैली आ गई है। तो दिस इज टाइम के पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए और हमें लगता है कि मार्केट में भी रेंज बाउंड विद अ स्लाइट बायस, लेकिन थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी डे आफ्टर। तो आज हमारी इसलिए स्ट्रेटेजी होगी थोड़ा सा दोनों तरफ का ट्रेड लेने का, कुछ हाई बीटा काउंटर को बेचना और कुछ जो हमारे को बहुत अच्छे ग्रोथ स्टॉक दिख रहे हैं वहां लेने की चेष्टा करेंगे आप कहेंगे। और एक अपडेट दे दूं, कल मैंने आपको बीटीएससी दिया था 197 पे, जेएसडब्ल्यू स्टील 205 का टारगेट 3.5 हिट हो चुका है, बुक करिए प्रॉफिट। 323 पे टाटा स्टील दिया था बीटीएससी, 335 का टारगेट 331 पे हिट हो चुका है, प्लीज बुक योर प्रॉफिट। अब आप कहें तो मैं आज की कॉल दूं, दो भाई हैं और एक सेनेटर। ओके सर, पहले बाय कॉल बता दें सर। तो बाय में पहला है डाबर, आई थिंक अब टाइम है एफएमसीजी का मूव करने का, 448 से 49.5 का भाव है, 439 का स्टॉप लॉस, 475 टू 480 का टारगेट, 475 ट्रेडर के लिए है, 480 इन्वेस्टर के लिए। दूसरा बाय कॉल होगा सर गोदरेज कंज्यूमर, 665 टू 667, 653 का स्टॉप लॉस, 685 का टारगेट। गोदरेज विल बी द बेस्ट प्ले ऑन द राइजिंग इनकम एंड द मिट्टी का जो वापस आ रही है उस पर बहुत स्ट्रेंथ आएगी। और ये दोनों बाय सर फिर मैं चल देता हूँ। ओके, तो पहले मैं डाबर लिखवा दूं, 448 से 450 बावन के आसपास यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 439 का स्टॉप लॉस रखें, 439 का, 475 इन ट्रेडर्स के लिए टारगेट है, 480 इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है। दो टारगेट के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर खरीदारी डाबर में। दूसरा स्टॉक भी इसी स्पेस से, कंज्यूमर कंजम्पशन के स्पेस से, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज सीपी, ये है वो दूसरा स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी है। 665 के आसपास खरीदारी कीजिए, 653 का स्टॉप लॉस लगाइए, 650 से 685 का टारगेट, ये दूसरा स्टॉक। एकमात्र शॉर्ट कॉल आज भसीन साहब की तरफ से बड़े दिनों बाद आ रहा है, भसीन साहब बताएं कौन सा है सर? सर टाटा मोटर है, ये सबसे ज्यादा प्रेशराइज स्टॉक रहेगा बिकॉज ऑफ चाइना एम्बार्गो, और अगर आज वहाँ अटकली गलत थी कि टाटा मोटर कैन 103 में बेचिए, 175 का स्टॉप लॉस, 94 to 95 का टारगेट। एक बार सर स्टॉप लॉस और टारगेट वापस बताएं सर। 103 में 3.5 में बेचिए, 675 का स्टॉप लॉस है, 6.5 का स्टॉप लॉस है और 94 to 95 का टारगेट। ओके, 95 94 के टारगेट के लिए आप करें बिकवाली टाटा मोटर्स, 103-104 की रेंज में बेचिए, 106.50 का स्टॉप लॉस लगाकर। ये तीन बेहतरीन पिक्स है जो ये भसीन साहब की तरफ से आती हुई